हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों अभी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है और मैं आज आप लोगों के साथ कोई रूटीन या कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, मैं कुछ और लाई हूँ। आज है 10 नवंबर 2021। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी उत्तराखंड के देवी देवताओं का मरना। तो उसमें एक दो जो भी है मतलब कमेंट आए थे कि बहुत अच्छा डांस है, और एक कमेंट आया था कि मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों वो डांस नहीं था, वो था देवी देवता। उत्तराखंड में देवी देवताओं का जो मंडन होता है उस मतलब ढोल दमाऊं डोर थपली पे उत्तराखंड में देवी देवता सचमुच आते हैं और नाचते हैं। उनसे कुछ पूछा गया, किसी की कोई प्रॉब्लम हो पूछते हैं, तो वो सचमुच में उसका निवारण करते हैं। और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। यहाँ पे देवी देवता इंसानों पे आते हैं और ये सही बात है, ये कोई झूठ बात नहीं है, सही बात है। जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम होती है, काफी दिनों से बीमार होते हैं, और देवी देवताओं के अपने घर के जो हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं, वो जैसे मतलब नरसिंह देवता, भगवती है, धारी माँ है, ये सब हमारे, और नागराज हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। तो इन देवी देवताओं को पूज के और सचमुच में बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा फल भी मिलता है। तो वो देवी देवताओं का शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने। उत्तराखंड में ये होता है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे सारे, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार है, और आप ये ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, ये सारे ही उत्तराखंड में हैं। आप लोग सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड में देवी देवता इंसानों पे आते हैं और वो सचमुच बात करते हैं। बात मतलब कि बोलते हैं कि जो भी कष्ट है, क्यों आप पे कष्ट है, क्या आपको करना है, ये सचमुच ही होता है। और मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाली थी, लेकिन मैं आज आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ। जितना मेरे पास है वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये देवी देवताओं का है और उत्तराखंड का ये मतलब वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों आगे मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि यदि मैं बोलूंगी तो जो आवाज है, जो बाजे लग रहे, जो मतलब जो बोल रहे हैं उसमें, और जिनके बोलने से देवी देवता आ रहे हैं, वो सब दब जाएगा। और मैं जो आवाज है उसको म्यूट नहीं कर रही हूँ, वो ओरिजिनल रख रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको अच्छा लगेगा, आप लोग देख लीजिए।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।